हेलो महारथियों, तो कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि HTML में काम कैसे करते हैं। वैसे भी तो आप सब लोगों को पता होगा कि HTML में काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको HTML पूरी तरह सीखना है ना, मेजर पार्ट, तो आप इस वीडियो को देख लें। ओके, मैं एक बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो फुल HTML पे बेस्ड है, उससे आप सीख सकते हैं। आप HTML सीखने के लिए किसी भी टेक्स्ट एडिटर या फिर ब्राउजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको ब्राउजर में गूगल क्रोम और टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। तो महारथियों, चलिए, वेलकम टू जूनियर चैन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का चैनल। कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं नोटपैड प्लस प्लस। इसके लिए हम लोगों को पहले डालना पड़ेगा HTML टैग। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा भाई। आप लोग पूछते नहीं हो फिर आप लोग कमेंट्स में बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डालेंगे टाइटल टैग। टाइटल नहीं, पहले तो बॉडी आता है ना ब्रो। बॉडी नहीं, उसको कुछ और कहते हैं, हेड कहते हैं भाया। ठीक है, हेड में हम लोग डालेंगे वेलकम। यहाँ पर हम लोग इस हेड टैग क्लोज कर देंगे। हेड टैग, अच्छा कुछ ज्यादा ही बोल गया। ठीक है, अब वो मजाक कम करते हैं। अब अच्छे वीडियो पे आता है, बिल्कुल फ्रेश टाइटल। टाइटल जो होता है ना भाई, ये रूट होता है उसका। अब आप लोग बोलोगे जूनियर या तो तू वापस पकाने लगा, तो भाई लोग मैं पका नहीं रहा हूँ, मैं उबाल रहा हूँ। देखो जो टाइटल होता है ना भाया, वो ऐसा होता है। टाइटल HTML का जड़ होता है। HTML जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, वैसे ही HTML की जड़ टाइटल होती है। जैसे मैं लगता हूँ अपने टाइटल का नाम, अपने चैनल का नाम, ठीक है, जूनियर चैंप। ओके, फिर आप इसमें किसी कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, HTML के नोटपैड को पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अब चालू करेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग हम लोगों ने लिख दिया नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अब भाइयों सवाल ये आता है कि ये हम लोगों ने लिख तो दिया, पर ये होगा कौन से पैराग्राफ में भाया? ठीक है, तो दोस्तों ये होगा पी, ये होता है पैराग्राफ का सिंटैक्स। ओके, और कभी भी स्लैश लगाना ना भूलें। मैं भूल गया था इसलिए बोल रहा हूँ यार, बड़े लोग होते ही इसलिए यार, समझाते हैं ना, गलतियां सुधारते हैं दूसरों की। इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, आप ही लोगों की कक्षा में पढ़ता हूँ। बोल्ड, सॉरी यार बॉडी लिखना था। ठीक है, बॉडी लिख दिया यार, कॉमेडी बहुत हो रही है, कॉमेडी बंद करना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें HTML को बंद कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, HTML हम लोगों का बंद हो गया, इसको हम लोग सेव करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, हम लोग सेव एस पे। आपको घबराना नहीं है कभी भी HTML देते द्वारा। ठीक है, डाउनलोड्स में या फिर कहीं भी आप इसे सेव कीजिए। यहाँ पर .htm या HTML डालिए और ये हो गया आपका सेव। अब महारथियों, मैं आपको सिखाऊंगा कि लिंक कैसे डालते हैं। देखिए, ए ए टैग होता है एंकर टैग। ठीक है, HREF इसका होता है सिंटैक्स। HREF कभी लिखना नहीं भूलना महारथियों। यहाँ पर मैंने डाल दिया wikipedia.org। अबे अरे जूनियर, https://कौन डालेगा? ठीक है, ऐसा आपके मन में सवाल चल रहा होगा। ओके, अब उसके बाद इसे बंद करना है। अभी ये पूरा बंद नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर ये लिखना है कि कौन से टेक्स्ट को दबा के हम लोग उसमें जा सकते हैं, उस साइट पे जा सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट का नाम लिख रहा हूँ विकिपीडिया, आपको जो लिखना है लिखिए, वो आपके मन पे डिपेंड करता है भाया। ठीक है, ये हो गया एंकर टैग बंद। ओ ये, अब मैं आपको इमेज डालना सिखाऊंगा। IMG, ठीक है, SRC लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्रोम ब्राउजर में मैं सर्च करता हूँ
मनोज सारू, ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे HTML सिखाया है। वैसे इन्होंने ही सिखाया है, इनके वीडियो ही देख देख के मैं HTML सीखा हूँ। आपको देखो सीखना है तो इनसे सीखिए, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं इन्हें इंडिया का सबसे महान यूट्यूबर मानता हूँ। ओके, इमेज को कॉपी नहीं करना भाई, इमेज के लिंक कॉपी करना है। कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पर आएगा, राइट क्लिक करके उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। तो महारथियों, हम लोग इसे सेव करते हैं और इस फाइल को क्रोम ब्राउजर से ओपन करते हैं। ये हम लोगों ने डाउनलोड्स में डाली थी मेरी फाइल। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने बंद की। ये देखिए, वेलकम नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम आ गया। ये मनोज सारू भैया की फोटो आ गई और ये देखिए विकीपीडिया का लिंक आ गया। इसको मैं इस टैब में ओपन नहीं करना चाहता हूँ, इसके मैं ओपन लिंक न्यू टैब दबा रहा हूँ। ठीक है भाइयों, ये विकीपीडिया ओपन हो गई। चलिए महारथियों, अब आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना सिखाते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, H1 फॉन्ट साइज का तो सिंटैक्स होता है ना महारथियों, वो होता है HN। N का मतलब होता है नंबर्स, 1 to 6 सारे नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स को डाल के आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उससे सिर्फ फॉन्ट की साइज बड़ी होती है भाया। ठीक है, H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। यहाँ पर मैं डालता हूँ जूनियर चैम्प, चैम्प लिख दिया भाई। हाँ चैम्प, यहाँ पर लिख दो H1, क्लोज। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो कि मैंने आप लोगों को समझाया नहीं अच्छे से। ठीक है, जो पहला कमेंट आएगा उसको मैं अपने अगले वीडियो में फर्स्ट पे दिखाऊंगा। पहला कमेंट नहीं, टॉप 5 कमेंट्स, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट से ही प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मैं 3 तक ही डालता हूँ। चलो ठीक है, आगे भी डाल देता हूँ, कौन सा मरा जा रहा हूँ डालने में। H4 कंट्रोल वी, और H4 को भी हम लोगों ने मत कर दिया। फिर H5 कंट्रोल वी, H5 को भी हम लोगों ने बंद कर दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग स्लैश लगाना भूल रहे। ये मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि कभी भी जिंदगी में कभी भी HTML में स्लैश लगाना ना भूलें। वैसे भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, बाई चांस भूल गए तो मेरी गारंटी नहीं है भाई, आप लोगों का काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए H6 को हम लोगों ने क्लोज कर दिया भाया, इसे हम लोगों ने सेव कर लिया। गए हम लोग यहाँ पर, इसको हम लोगों ने रिलोड किया और ये देखिए जूनियर चैम जूनियर चैम जूनियर चैम जूनियर चैम जूनियर चैम। ठीक है, 6 लाइनें आ गई। ये सबसे छोटा है H6, ये सबसे बड़ा है H1। अब मेन टैग पढ़ाता हूँ मैं आपको, बोल्ड कैसे करते हैं भाई। तरुण, तूने ये तो बताया ही नहीं, बोल्ड कैसे करते हैं जूनियर, जल्दी बता। तो बोल्ड के लिए बी लिखिए और यहाँ पर बोल्ड का टैग बंद कर दीजिए। इटैलिक्स के लिए आई लिखिए और यहाँ पर आई का टैग भी बंद कर दीजिए, है ना आसान। फिर अंडरलाइन के लिए भी ऐसे भी, पर ये सिर्फ इन्हीं तीनों के लिए है भाई। मैं शायद आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ये जो टैग्स होते हैं ना, ये बहुत ही कमाल की चीज है। टैग्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो टैग होता है वो होता है पेयर्ड टैग, और दूसरा अनपेयर्ड टैग होता है। तो आप लोग अभी बोलेंगे तू वापस पकाने लग गया जूनियर, ये तो सब लोग बताते हैं। तो मैंने अभी सेव किया इसे और इसे रिलोड किया। ये देखो महारथियों, ये आ गया। अब एक चीज बात आपने नोटिस की होगी, हम लोगों ने यहाँ पर भाया अलग अलग लाइनों में ये लिखे हैं। ये इन HTML वाले ने ये यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिए, ये वेब पेज में बिल्कुल सीधा कैसे आ गया, अलग अलग लाइनों में क्यों नहीं आया। अब इसको अलग अलग लाइनों में करने के लिए हम जो BR टैग लगाएंगे ना, BR अनपेयर्ड टैग है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं लगता है। ओके सॉरी, इसमें कोई भी पेयर नहीं लगता है। यहाँ पर BR लगा देंगे और इसे Ctrl+S दबा देंगे। सेव सेव का शॉर्टकट की है, रिलोड कीजिए। ये देखिए भाया आ गया आपका काम। ठीक है,
अब लास्ट और सबसे जिम्मेदारी वाला टेक्स्ट है, इसी से सब का रंग और सब कुछ निखरता है पूरे उसका, ठीक है। ये टैग सबसे मेन है, सेंटर टैग, जिससे जो अपना फॉन्ट है ना भाया, वो सेंटर में आ जाता है। ये पेयर टैग है, तो सेंटर टैग के लिए हम लोगों को क्या करना है, हेडिंग डालनी है पहले। जैसे मुझे H2 फॉन्ट में लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जूनियर चैम्प, और H2 को हम लोगों ने बंद कर दिया। आप लोग बोल रहे होंगे यार जूनियर तूने तो ये लिखा ही नहीं कि सेंटर कैसे करते हैं, तो सेंटर अभी लिख रहा हूँ लोगों, रुक जाओ। तो महान इंसानों, हम लोगों ने सेंटर टैग भी लिख लिया है। अब इस सेंटर टैग को क्लोज करने के लिए भी हम लोग सिंपल वाले तरीका इस्तेमाल करेंगे, सेंटर, ठीक है। सेव किया हम लोगों ने, हम लोग गए यहाँ पर और इसे रीलोड कर दिया। ये देखिए आ गया जूनियर चैम्प। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, होप कि अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।